कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है तो पार्टी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की एक और यात्रा शुरू करेगी। बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को कुल्लम से मार्च शुरू किया। जयराम रमेश ने संकेत दिया कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार से जुड़ी नहीं है। AICC के महासचिव ने कुल्लम में कहा कि हम दूसरे चरण में 150 दिनों में लगभग 3100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किया गया सबसे लंबा मार्च है। इससे पहले ऐसा मार्च चीनी नेता मोत्से टुंग द्वारा किया गया था। अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा सफल होती है तो हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वाम दलों की सरकार है। CPM 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी भागीदारी थी, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी दक्षिण राज्य में वामपंथी संगठन का प्रमुख विपक्ष है। जयराम रमेश ने CPM पर के रिएक्शन पर ट्वीट किया है, अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें। मुंडू मोदी की धरती पर BJP की ए टीम वाली पार्टी की ओर से मूर्खतापूर्ण आलोचना। इससे पहले यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी ने कुल्लम जिले के चतनूर में छात्रों से बातचीत की। कांग्रेस ने कहा कि जैसा कि आप हम भारत जोड़ो यात्रा के पहले सप्ताह का समापन कर रहे हैं, हमने जितनी दूरी कवर की है और जितने लोगों से हम जुड़े हैं, इससे हमारी प्रतिबद्धता मजबूत हो गई है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो गया है और हमारा परिवार बड़ा हो गया है। यह सत्य की शक्ति है, एकता की शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।